अध्याय सात, आलेख, ग्राफ, परिचय, इंट्रोडक्शन। गणित में हम जानकारियों को बेहतर समझ व विश्लेषण के लिए कई माध्यमों से निरूपित और प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही एक माध्यम आलेख है, जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि किसी एक राशि से दूसरी राशि का क्या संबंध है। आलेख के माध्यम से यह भी देखा जा सकता है कि परस्पर संबंधित दो राशियों में से किसी एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में क्या बदलाव आता है। इनके साथ साथ आलेख बनाने से कुछ नई जानकारियां भी पता की जा सकती हैं। इस अध्याय में हम आलेख के विभिन्न उपयोगों को देख सकेंगे। दो राशियों के बीच संबंध। कुछ व्यक्ति कपड़े की एक दुकान से 25 रुपये प्रति मीटर की दर से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर लंबाई के कपड़े क्रमशः 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये और 125 रुपये में खरीदते हैं। उनके द्वारा चुकाई गई कीमतों और कपड़े की लंबाइयों के बीच के संबंध को आलेख में प्रदर्शित किया गया है। आलेख में हम यह देख पाते हैं कि कपड़े की लंबाई बढ़ने से चुकाई गई कीमत में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट के एक मैच में एक टीम के द्वारा शुरू के 10 ओवरों में बनाए गए रनों की संख्या इस प्रकार थी, 5, 4, 8, 7, 2, 5, 4, 4, 2 और 9। यदि हम ओवरों की संख्या और उसमें बने रनों की संख्या को लेते हुए आलेख खींचें तो चित्र 2 जैसा आलेख प्राप्त होगा। आइए कुछ सोचें और चर्चा करें। क्या आलेख में लिए गए आंकड़ों के बीच कोई संबंध है? एक प्रकार के आंकड़ों को एक्स अक्ष पर और दूसरे प्रकार के आंकड़ों को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया गया। क्या आंकड़ों के लिए अक्षों को चुने जाने का कोई आधार है? एक आलेख सरल रेखा के रूप में है, दूसरा टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में। क्या इसका कोई कारण हो सकता है? आइए आलेख बनाना सीखें। आलेख बनाने के लिए हमें 2 तरह के आंकड़ों की जरूरत होती है। हम एक को एक्स अक्ष पर और दूसरे को वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। क्या इन आंकड़ों को हम किसी भी अक्ष पर दर्शा सकते हैं, अथवा किस आंकड़े को एक्स अक्ष पर और किसको वाई अक्ष पर दर्शाना है, इसके लिए कुछ आधार होते हैं? आलेख एक में देखें तो पाएंगे कि अगर हम ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं तो हमें कीमत भी अधिक देनी होती है। अगर हम कम कपड़ा खरीदते हैं तो कीमत कम होगी। यह एक उदाहरण है जहां एक राशि दूसरी राशि को प्रभावित करती है। चुकाई गई कीमत कपड़े की मात्रा पर निर्भर करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहां कपड़े की मात्रा एक मुक्त या स्वतंत्र चर है, जबकि चुकाई गई कीमत एक आश्रित चर है। प्रायः हम स्वतंत्र चर या आंकड़े को एक्स अक्ष पर तथा आश्रित चर को वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। एक बार यह निश्चित हो जाए कि हमें एक्स अक्ष पर कौन सा और वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा लेना है, उसके बाद दोनों अक्षों के लिए पैमाना चुनते हैं। पैमाना एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए पैमाने का चयन राशि अनुसार करना होता है। आइए इस प्रक्रिया को आलेख एक से समझते हैं। 6 मीटर कपड़े के लिए चुकाई गई कीमत 125 रुपये है। यदि हम एक बड़े वर्ग की लंबाई 1 रुपया पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 125 इकाई का अक्ष खींचना होगा, जो कागज़ की शीट पर संभव नहीं। इसके विपरीत एक बड़े वर्ग की लंबाई बराबर 50 रुपये का पैमाना चुने तो बहुत कम फैलाव होगा। अतः हम ऐसा पैमाना चुनेंगे जिससे संबंध साफ दिखे। यहाँ हमने एक बड़े वर्ग की लंबाई बराबर 25 रुपये ली और हमें 6 इकाई का अक्ष खींचना होगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर और जिस पेपर पर आलेख खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। प्रत्येक बिंदु को आलेख पर चिह्नित करते हैं। एक्स अक्ष पर इंगित राशि के मान के लिए वाई अक्ष की राशि के मान के अनुसार एक्स अक्ष से दूरी पर बिंदु अंकित करते हैं। इन दोनों मानों से ही ग्राफ पर बिंदु बनता है। सभी बिंदुओं को जोड़कर आलेख प्राप्त करते हैं। आलेखों से हमें क्या पता चलता है? आपने अखबारों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न कार्यक्रमों में अलग अलग तरह के आलेख देखे होंगे। वास्तव में ये आलेख संख्याओं से बने आंकड़ों के चित्रात्मक प्रदर्शन हैं। एक नज़र डालने भर से हमें कई जानकारियां मिल जाती हैं। हम दोनों आलेखों को बारी बारी से देखें तो पता चलेगा कि कपड़े की लंबाई और उसके मूल्यों को निर्देशांक मानकर खींचा सरल रेखा आलेख यह बताता है कि कपड़े के मूल्य और उसकी लंबाई के बीच एक निश्चित अनुपात है। जैसे 100/4, 75/3, 25/1 आदि। यदि हम जानना चाहें कि किसी दी गई लंबाई के कपड़े का मूल्य क्या होगा या दिए हुए रुपयों में कितना कपड़ा खरीदा जा सकेगा तो हम आलेख द्वारा इसे भी बहुत आसानी से जान सकते हैं। इसी तरह दूसरा टेढ़ा मेढ़ा आलेख यह बताता है कि किसी ओवर में कितने रन बनेंगे। यह अनिश्चित है लेकिन आलेख को देखकर यह तुरंत बताया जा सकता है कि किस ओवर में सबसे ज़्यादा रन या सबसे कम रन बने। औसत रन संख्या जानकर यह भी बताया जा सकता है कि 20 या 50 ओवर की समाप्ति पर लगभग कितने रन बन सकते हैं। किंतु यह अनुमान गलत भी हो सकता है क्योंकि बाद के ओवरों में रन तेजी से भी बन सकते हैं या पूरी टीम आउट भी हो सकती है।